तो ये चारों बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहे तो क्या आप करेंगे, या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत पर भी, ये देखिए ये फिल्म है, अच्छा ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट। तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें मैं, ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी, और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी। तो ये जस्ट, मैडम वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ फिल्म, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड दैट्स इट, खत्म। अक्षय सर, इस फिल्म में आप चार बहनों के साथ हो, रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन, ब्रोजोन, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। On that lovely note. Right, you're right. I'm right, I know. This side, right. Oh, right, right. Right, 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 right. Yeah. Rahul here from the Filmi Charcha. ट्रेलर जितना खूबसूरत था, गाना भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। बात बहन भाई बहन की हो रही है, रिश्ते की हो रही है, रक्षाबंधन की हो रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री में दो रिश्ते होते हैं सर, एक तो पर्सनल रिश्ते होते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है, जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं, तो क्या आप भी, आपको कोई अभिनेत्री ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे करण जौहर क्या मानते हैं, बच्चे? हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी। अच्छा, क्योंकि मैं उनके साथ चार फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए, वो भी मेरे, मतलब मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी अच्छे, बहुत अच्छे रिश्ते, बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं। सर, ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ, एक एक करके, एक एक, हाँ करके, हाँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट की आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा 40 से 45 दिन? कितने दिन में कम की? अभी इसका हिसाब कैसे लगाएं बताइए, आप बताइए। अक्षय सर, इन्होंने तो बोल बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है, इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ ये बोल बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहाँ ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता है, इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते हैं इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास, अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है, जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपसे? क्या कहना चाहूँगा भाई, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती, मैं क्या करूँ, मैं उसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती, एक डायरेक्टर आता है कहता है भैया आपका काम ख़त्म, आप घर जाइए, तो अब मैं उससे लड़ूं? इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त है हमारे पास। अक्षय जी, ऑन योर राइट लेफ्ट, अक्षय जी, अक्षय जी से मेरा सवाल है कि बहुत दिनों के बाद रक्षाबंधन पे फिल्म आई, तो इस लंबे दौर में काफ़ी ऐसी फिल्में आई रोमांटिक एक्शन, तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या फीलिंग थी आप में, कि मतलब चार बहनों के भाई होंगे आप और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई थी। okay. मेरे पास, मेरे ऑफिस में आए थे, सुबह का वक्त था, सुन तो लो। अक्षय जी, ऑन योर लेफ्ट, अतरंगी रे में आपने बहुत बढ़िया काम किया और इस फिल्म में बड़े अच्छे लगे आप, तो मैं चाहूँगा कुछ अनंत जी के बारे में कुछ तारीफ में कुछ कहें आप जी, इन्होंने आपसे काम निकलवाया। अच्छा अच्छा, आनंद जी के बारे में, आनंद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आनंद जी आपको लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में पाए जाएंगे। मैं तो ऐसे बोला जैसे कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा आपके ऊपर। आनंद, मैं कह दूंगा भाई, उन्होंने कह देंगे, मैं कोई गल इच्छा कह देंगे, मैं बहुत बहुत बढ़िया बंदे ने, मेरी 2 फिल्मा हो गई ने, एक और भी मैं करांगा शायद। अच्छा।
अगर यह फिल्म चल गई थे तो फिर उस तो बाद जिंदगी चलती रहनी है। बहुत बढ़िया काम, बहुत जी, थैंक यू जी, थैंक यू हिमेश जी।